अरे मोदी जी, कार को तेज तेज को ना चलाओ, ममता दीदी का भंडारा खत्म हो जाएगा। जल्दी चलाओ, तेजी तेजी से। कैसे हल्के हल्के चला रहे हो गाड़ी को, तेजी से चलाओ। ज्यादा बातें तो करो मत योगी जी, पहले इस कार की तरफ देखो, कार पर कितने आदमी बैठे हुए हैं। और तुम तेजी से चलाने की बात कर रहे हो, अरे पूरी ओवरलोड कार है। अगर गड्ढे में आगे कार कहीं पलट उलट गई तो कितने लोगों को चोट लगेगी। अरे भाई मोदी जी, मैंने तो पहले ही कहा था अपना दोनों लोग अकेले चल रहे हैं ममता दीदी का भंडारा खाने के लिए, लेकिन तुमने सबको बता दिया, सब लोग अपनी कार पे बैठ गए। अरे भाई उबैसी जी, बैठ गए तो क्या हो गया, मोदी जी की कार है, तुम इतना हक क्यों जता रहे हो ये बताओ। मैं देखो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, बिल्कुल पीछे कार पे बैठा हूँ, गिरने तक का डर है मुझे। पता नहीं इस बार ममता दीदी ने भंडारे में क्या बनवाया होगा, पिछली बार तो आलू की सब्जी बनवाई थी, आलू की सब्जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने इस बार कह दिया है ममता दीदी से कि कटहल की सब्जी बनवाना। अरे भाई लालू जी, तुम ज्यादा बातें मत करो, तुम तो आराम से मेरे और राजनाथ सिंह जी के बीच में फंसे हुए हो। हम देखो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं बिल्कुल किनारे पे, तुम्हें सब्जी की पड़ी है, हम सोच रहे हैं कैसी करके जल्दी पहुँचे भंडारे पर। वैसे सही कह रहे हो अमित शाह जी, मैं भी सोच रहा हूँ जल्द से जल्द भंडारे में पहुँचे, मुँह में पानी आ रहा है सोच सोच के ही। लो भाई, जितनी जल्दी पहुँचने की कर रहे थे भाई केजरीवाल जी, सामने देखो कोई इंस्पेक्टर साहब गाड़ी को रुकवा रहे हैं और अपनी गाड़ी ओवरलोड है। रोको भाई रोको, गाड़ी को रोको रोको। जी सर जी बोलिए, क्या बात है, क्यों गाड़ी को रुकवा रहे हैं आप बताइए। अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है, ये बात बोलते हुए क्यों गाड़ी को रुकवा रहे हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। जी सर जी, हमने ऐसी क्या गलती कर दी बताइए। अरे भाई अपनी कार की तरफ देखो जरा, 9 लोग बैठे हुए हैं आपकी कार में, कार पूरी ओवरलोड है, सिर्फ 4 सवारी के लिए पास है आपकी कार, आपका बहुत लंबा चालान कटेगा। अरे सर जी, हम सब इकट्ठे होकर एक कार पर भंडारा खाने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास दूसरी कार नहीं थी इसीलिए सब इकट्ठे होकर एक ही कार पे जा रहे हैं। अरे भाई साहब, तो कार पे इतने लोग बैठ के जाओगे, चालान तो मैं काटूंगा ही काटूंगा तुम्हारा। अरे भाई साहब चालान मत काटिए, भूखे पेट हैं हम, खाना खाने के लिए जा रहे हैं भंडारे में, पाप लगेगा आपको, हम भूखे हैं इस टाइम, हमें खाना खाने दीजिए। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल, लगता है काम को बदलना पड़ेगा, कोई कोई काम करवाने के लिए आ ही नहीं रहा है, ना कोई पैंट सिलवाने के लिए आ रहा है, ना कोई शर्ट सिलवाने के लिए आ रहा है। अरे राहुल मुझे एक बात बताओ, क्या सब लोगों ने कपड़े पहनना बंद कर दिए, कोई कोई भी कपड़ा सिलवाने के लिए नहीं आ रहा है, तुम भी कोई कपड़ा नहीं सिलवाते हो, तुमने भी ये कोट जो पहने हुई हो आज से 5 साल पहले मुझसे सिलवाया था, क्या 5 साल तक एक कपड़ा पहनते हो, दूसरा कोई कपड़ा सिलवाओ। अरे मोदी जी कैसी बात करती हो, मैं नंगा तो रह लूंगा लेकिन तुमसे कपड़े बिल्कुल नहीं सिलवाऊंगा, ये 5 साल पहले तुमसे कोट सिलवाया था, ये तुमने इतना बड़ा सिल दिया था कि हाथी भी इसे पहन ले, 5 साल से पहनता आ रहा हूँ इस कोट को, बिल्कुल ढीला ढाला, इतना ढीला कोई कोट सिलता है ये बताओ। अरे भाई राहुल, मैंने कोट को ढीला इसलिए सिलाता, कम से कम तुम 5-6 साल तक पहनते रहो कोट को, समझे, अगर तुम मोटे भी हो जाओ खा पी के तो पहनते रहो, चलो मत सिलवाओ, कोई बात नहीं है, किसी दूसरी जगह सिलवा लेना कपड़े, वैसे भी तो मेरा काम नहीं चल रहा। अरे लगता है योगी इंस्पेक्टर जी आ गए, ये अपनी वर्दी सिलवाएंगे मुझसे। योगी जी, क्या वर्दी सिलवाने के लिए आए हो, खाली बैठा हूँ, कुछ भी सिलवा लूँ। अरे भाई मोदी जी, मैं आपसे अपनी वर्दी सिलवाने के लिए नहीं आया हूँ। तो योगी जी क्या करने के लिए आए हो, कुछ तो बताओ। भाई आपके खिलाफ कंप्लेन है, कंप्लेन दर्ज थी आपके खिलाफ, उसी के लिए आया हूँ मैं। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब, मैं सीधा साधा आदमी, मेरे खिलाफ कौन कंप्लेन कर सकता है, कुछ तो बताओ किसने की कंप्लेन, मैं तो किसी से मारपीट भी नहीं करता हूँ। अरे भाई मोदी जी, ये मारपीट की कंप्लेन नहीं है, अभी कुछ दिन पहले तुमने अखिलेश नाम के एक बंदे के कपड़े सिले थे कि नहीं सिले थे, याद करके बताओ। जी योगी जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अखिलेश नाम के बंदे के मैंने कपड़े सिले थे, कुर्ता और पैजामा सिला था उसका, बताइए क्या गड़बड़ हुई। अरे भाई उसने आपके खिलाफ कंप्लेन की है कि आपने कुर्ते की कपड़े की जगह पैजामा सिल दिया और पैजामे की कपड़े की जगह कुर्ता सिल दिया और कच्चे धागे से सिलाई की, उसका कुर्ता पैजामा फट भी गया। ये तो योगी जी कोई बड़ी बात नहीं हुई, उसका कुर्ता पैजामा लगभग एक ही रंग का था, गलती हो गई, और क्या लोहे के धागे से सिलता मैं उसके कपड़े, ये बताऊं। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।